हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग एरिया का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग एरिया से रिलेटेड दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन रहेगा। तो देखो यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ एस्ट्रॉयड, है ना। आपको एस्ट्रॉयड दिया हुआ जिसका इक्वेशन क्या होता है, 2x^2/3 प्लस y^2/3 इक्वल्स टू a^2/3। आपको पता होना चाहिए एस्ट्रॉयड किसको बोलते हैं, एस्ट्रॉयड का इक्वेशन क्या होता है और एस्ट्रॉयड का कर्व कैसे बनता है, ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कहना जो एस्ट्रॉयड आपको दिया हुआ, जैसे आपको मान लो पूछा होता कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, पिछले दो क्वेश्चन में हम लोगों ने सर्कल को और एलिप्स को बनाया था, तो वहाँ पर क्या था, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम दे दिया था उसका, एक इक्वेशन दे दिया था, तो उससे हम लोग कर्व को समझ के बनाए थे अपने हिसाब से। तो इसमें भी ऐसी है कि आपको अगर पता नहीं कि एस्ट्रॉयड का फिगर ड्रॉ कैसे होता है तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वैसे आप चिंता मत करो, वैसे इससे रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आएंगे उसके क्वेश्चंस को जो है मैं यहाँ पे बनाते रहूँगा। आपको करना है क्या, बस देख के एक बार प्रैक्टिस करना है। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे अपन लोग। ये आपका एस्ट्रॉयड बन गया है। देखो तो एस्ट्रॉयड के लिए क्या करोगे आप, सेंटर से एक ही डिस्टेंस पे, देखो आपको यहाँ पे क्या दिया, 1^2/3 दिया कि नहीं, तो आपको सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, आपका ए डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ से ए, यहाँ से ए, यहाँ से ए और यहाँ से ए मैं ले लिया हूँ। लेट दिस ओरिजिन बी ओ। ओके, अब क्या करोगे, इसको ऐसे कर्व, यहाँ भी एक कर्व, यहाँ भी एक कर्व, यहाँ भी एक कर्व, चार तरीके से अपना एक कर्व बन गया है और ये अपना क्या एस्ट्रॉयड बन जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या, देखो बेसिकली गिवन एस्ट्रॉयड शोन इन द फिगर, आपको यहाँ बन गया है, टेकिंग अ स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे इन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, दैट इज ओ ए बी। ओ ए बी ये अपना क्या पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक एक्स के पैरेलल एक स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे, है ना। तो उसका जो लिमिट रहेगा, उसका जो लिमिट बनेगा, लिमिट फॉर एक्स स्लाइड्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल्स टू ए। देखो तो ये जो आपका स्ट्रिप बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा, यहाँ पे एक्स के वैल्यू क्या है, जीरो है, यहाँ पे एक्स के वैल्यू क्या होगी, ए होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना दिया है, ए दिया हुआ है। तो दिस इज ए कॉमा जीरो, दिस विल बी -a,0। इसको क्या बोलोगे, 0, a, और इसको हम क्या बोलेंगे, 0, -a बोलेंगे इसको। तो ठीक यहाँ तक हो गया। सिंस वी नो दैट एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया दैट इज टोटल एरिया इस एस्ट्रॉयड का कैसे निकालेंगे अपन, 4 times, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, 1/4 ऑफ दिस एस्ट्रॉयड को अपन निकाल रहे हैं, जिसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, कंप्लीट एस्ट्रॉयड का मुझे एरिया मिल जाएगा। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अगर डी एक्स लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट किसकी होगी, एक्स की लिमिट होगी, इसलिए देखो यहाँ पे स्पेशली मैं लिखा भी हूँ, लिमिट फॉर एक्स लाइज फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल्स टू ए। फाइन, अब हमको करना क्या बताओ, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इस वाई को एक्स के टर्म में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉयड इज गिवन एज x^2/3 प्लस y^2/3 इक्वल्स टू a^2/3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे, तो y इक्वल्स टू a^2/3 माइनस x^2/3। ये 2/3 जब वहाँ पे शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, है ना, रिवर्स हो जाएगा वो, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में आएगा, जो डिवीजन में वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या होगा, वैसे भी देखो यहाँ पे जो 3 दिया है उसको क्या रूट में है, तो यहाँ पे क्या पावर में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2/3 का मतलब क्या है, वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई का रूट यहाँ पे क्या जाएगा, तो क्या रूट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या क्यूबिक रूट दिया तो उसको क्या पावर में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसके वैल्यू को अपन यहाँ पे रखेंगे, विल ट्राई टू सॉल्व इट, 4 0 to a, दिस इज a^2/3 माइनस x^2/3 3/2 इंटू डी एक्स। ये आपको हो गया यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू, देखो ये क्वेश्चन इतना आसान जो दिख रहा ना उतना आसान नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ मेथोडोलॉजी अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। तो आगे बढ़ते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए साइन 3 थीटा, एक्स को हम क्या मानेंगे, a sin 3 a sin³ थीटा मानेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अगर मैं dx करूँगा इसको, मतलब क्या करूँगा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी a
साइन क्यूब थीटा दिया हो तो थ्री आपका आगे आ जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का पता क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, और लास्ट में आपको क्या आएगा थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस वैल्यू को तो हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो एरिया विल बिकम, देखते चलो अच्छे से, एरिया जो कि टोटल एरिया होगा दिस विल बिकम क्या देखो तुम। अच्छा एक और चीज़, लिमिट को भी अपन यहाँ पे चेक करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, जीरो है, ये किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है, तो लोअर लिमिट जब मैं यहाँ पे जीरो पुट अप करूँगा तो ये यहाँ पे आएगा जीरो हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू जीरो तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा, तो मतलब क्या होगा जब एक्स को मैं थीटा के फॉर्म में चेंज करूँगा तो थीटा में भी क्या होगा लोअर लिमिट आपको जीरो होगा। अब अपर लिमिट को देखो क्या करेंगे, जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू को मैं ए पुट करूँगा तो ए ए कैंसिल होगा, तो साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू वन, तो साइन थीटा इक्वल्स टू वन, तो थीटा बिकम्स 90 डिग्री। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक बार लिख दे देता हूँ, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, मैं जब एक्स की वैल्यू ए होगी जो कि अपर लिमिट है, अपर लिमिट को जब यहाँ पुट करूँ तो ए यहाँ पे क्या दिया है, ए साइन क्यूब थीटा आपस में कैंसिल हो गया, तो वन इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू वन ही रहेगा, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू। सिमिलरली जब लोअर लिमिट एक्स की जीरो है तो यहाँ पे जीरो रखो, ठीक है, तो जीरो इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा, ए साइन सॉरी ये यहाँ पे आएगा तो जीरो बाई ए विल बिकम जीरो, जीरो इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे जो लिमिट रहेगी एक्स के लिए क्या रहेगी, जीरो टू पाई बाई टू रहेगा। फाइन, तो यहाँ पर जो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे फोर जीरो टू पाई बाई टू इसको यहाँ लिख दिया सा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे थ्री दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं इसको, ए दैट इज़ 2/3 माइनस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स की पावर 2/3 लिखा है, और एक्स की बताओ वैल्यू कितनी, ये है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे जब इस एक्स के जगह पे इसको पुट अप करूँगा तो यहाँ पे ए जब आएगा तो ए विल बी ए की पावर 2/3 हो जाएगा, लेकिन जब साइन क्यूब थीटा यहाँ पे आएगा तो ये क्यूब इस थ्री से कैंसिल होगा, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर लो। यहाँ बताओ क्या आएगा, डी एक्स की जगह पे, डी एक्स की जगह पे पूरे ये पूरा टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख के यहाँ लिख लेता हूँ मैं, दैट इज 3a sin² θ, दिस इज कॉस थीटा डी थीटा। आई होप आपको ये लाइन अच्छे समझ में आ गया होगा, ये उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया हुआ है। फाइन, आगे बढ़ते हैं अपन, तो देखो ये 3a और ये 4 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो उसको आप एक साथ कर सकते हैं। और एक और चीज़, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ छूटा हुआ था, दैट इज़ 3/2, इसके पावर में तो क्या आपको दिया है 3/2 दिया कि नहीं, 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, दिस 3/2। फाइन, तो यहाँ पे देखो ए की पावर 2/3 दिया, यहाँ पे ए की पावर 2/3 दिया, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3/2 लिखा हुआ है, तो जब यहाँ से मैं कुछ कॉमन निकालूँ, क्या कॉमन निकलेगा, ए की पावर 2/3 कॉमन निकलेगा, तो वो 2/3 3/2 से कैंसिल होकर बाहर तो क्या निकलेगा आपको, सिर्फ ए ही निकलेगा, तो 4 × 3 विल बी 12, a × a विल बिकम a². ठीक है, और बाकी जो भी उसको अंदर में रहने दो, दैट इज़ 0 to π/2। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, जब a की पावर 2/3 बाहर निकल जाते तो दिस विल बिकम 1 − sin² θ विच इज़ cos² θ। ठीक है, तो cos² θ × cos θ विल बिकम cos⁴θ। यहाँ पे देखो क्या दिया है, sin² θ बचा हुआ है, और यहाँ पर d θ बचा हुआ है, तो देखो यहाँ तुम्हारे पास क्या बचेगा, sin² θ जो कि इसकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर बताओ किसकी वैल्यू होगी, समझो सर क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस विल बी बिकम साइंस cos² θ, 1 − sin² θ विल बिकम cos² θ, तो उसका स्क्वायर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बताओ क्या बचेगा, यहाँ पे cos³θ बचेगा, cos³θ × cos θ विल बिकम cos⁴θ, और यहाँ पे लिखो d θ लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपना पता क्या है, आपने पढ़ा होगा, गाम फंक्शन पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहले फॉर्मूला ऐसा है कि 0 to π/2 का आपकी लिमिट होगी, और यहाँ पे क्या दिया है बताओ, sin nx cos mx dx अगर लिखा हुआ है तो इसकी होता वैल्यू कितनी होती है, देख लो अच्छे से, इसकी वैल्यू आपको होगी γ(n+1)/2 × γ(m+1)/2 · γ(n+m+2)/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे बताओ n क्या है, आपको यहाँ पे n दिया हुआ 2, m की वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई है 4,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अपना, ये दिस विल बिकम 12a² अच्छे से समझते चलो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली। तो 12a², उसके बाद देखो यहाँ पे m n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई, तो दिस विल बिकम गामा ऑफ 2+1/2, 4 दिया है तो 4+1/2 अपॉन 2 इंटू गामा में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, n+m+2, 2+4+2/2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट था जहाँ पे अपन यहाँ पे गामा फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होने आए, इसको सॉल्व कैसे करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 12a² यहाँ बताओ क्या बनेगा, ये गामा ऑफ 3/2 बन जाएगा ये। ठीक है, ये बताओ क्या बन जाएगा, गामा ऑफ 5/2 बन जाएगा। अब पॉन देखो क्या रहेगा यहाँ पे, 2 तो रहेगा रहेगा बाहर में, लेकिन देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा, 2+2 दैट इज़ 4, 4+4 इज़ 8, 8/2 इज़ 4, तो ये अपने बताओ क्या बनेगा, गामा ऑफ 4 बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको कैंसिल होगा, दिस विल बिकम 6, तो 6a² यहाँ पे लिख दिया अपन। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में जो भी वैल्यू आपकी रहती है दैट इज़ 3 दिया हुआ आपको यहाँ पे, तो उसको आप 2 से माइनस करते रहो, और कब तक करोगे, जब तक ये 1/2 ना हो जाए। तो देखो गामा ऑफ 3/2 दिया हुआ है, तो इसमें जब मैं 2 माइनस करूँगा तो दिस विल बिकम क्या बताओ, तो 1/2 हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर मान लो देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5/2, तो 5/2 मतलब क्या होगा, इसमें 2 माइनस करो 3/2, फिर इसमें 2 माइनस करो 1/2, फिर इंटू क्या करोगे आप, जब तक 1/2 ना हो जाए तब तक उसको आप रखोगे सॉल्व करोगे, लास्ट में क्या करोगे यहाँ पे √π से उसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 1/2 के बाद क्या आएगा, √π आएगा। वैसे यहाँ पे देखो 3/2 का गामा दिया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा इंटू √γ, सॉरी √π। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे मान लो दिया हुआ, आपको एग्जाम्पल तो बता दे रहा हूँ मैं, मान लो आपको दिया हुआ 9/2 दिया हुआ, तो यहाँ पे 2 माइनस करो 7/2 इंटू ये बताओ अपने क्या, 5/2 इंटू क्या बताओ, 3/2 इंटू 1/2 इंटू लास्ट में आपको क्या आएगा, एक √π आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो अपर लिमिट सॉल्व हो चुका है, लोअर लिमिट मतलब सॉरी लो अपर लिमिट नहीं, न्यूमरेटर आपको सॉल्व हो चुका है। अब डिनोमेटर बताओ क्या दिया आपको, गामा 4 दिया हुआ है, तो गामा 4 मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n-1, एन बताओ कितना दिया आपको, 4 दिया, तो फैक्टोरियल 3 मतलब क्या होगा, 3 × 2 × 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 6 हो जाएगा तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये अपना 3 है, और यहाँ बताओ क्या है, 2π दिया है रूट में, तो दिस विल 3π, यहाँ पे लिखो a² अपॉन बताओ क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ देखो क्या आएगा अपना, यहाँ पे 8 आएगा, बस इतना ही है। ठीक है, यूनिट स्क्वायर एंड दिस इज माई आंसर। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया हो कि गामा फंक्शन को अपन यूज़ कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर गामा ऑफ एन निकालना तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, फैक्टोरियल n-1, जिस के तहत मैं इसको सॉल्व किया हूँ मैं। ठीक है, गामा ऑफ एन यहाँ पर आपको देखो बताओ क्या दिया है, गामा ऑफ 4 दिया हुआ है, तो दिस विल बी फैक्टोरियल 3 दैट इज 3 × 2 × 1। और जब भी कभी आपको √π वाले फॉर्म में देगा तो कैसे सॉल्व करना है, ये स्टेप सॉल्व करना है, जो भी आपको देगा उसमें आप क्या करोगे, 2 माइनस करते करते कब तक लेके आओगे, जब तक 1/2 ना हो जाए आपका, उसके बाद 1/2 फॉलोड बाई √π, इसके बाद आपको क्या आएगा, अगला √π आएगा, और बस उतने में आप उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।